Wow, he's tired, man. Oh, fuck. Shit. He looks so worn out. Sam, goddammit. Sam! Okay, he's shipwrecked. Starting wala. Upar chad ja. बोट अपनी जली पड़ी हुई है वहां. बेचारा बहुत थका हुआ है. आस पास पड़ा हो शायद. ओह सैम ले गया. बेचारा जंप भी नहीं कर पा रहा है. मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको जंप कराने की. ना वो कर रहा है, रोल कर रहा है. और कितना सुंदर गेम है ये. अच्छा अच्छा लास्ट ऑफ अस पार्ट टू अभी मेरे डाउनलोड हो गया है. वो 19 जून से पहले खुलेगा नहीं. सो बिफोर 19 जून आई वोंट बी एबल टू प्ले इट. बट इट्स ऑलरेडी डाउनलोडेड नाउ. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. आई एम रियली एक्साइटेड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. चल भाई. ओ यार शिट. जस्ट पुश थ्रू. इधर से जाएगा क्या? नहीं जाएगा. यार चढ़ भी नहीं पा रहा है. जंप नहीं कर पा रहा, नॉर्मल चढ़ ले रहा है. These rocks are actually very slippery. Oh fuck. So I was telling about these rocks. I went to McLeodganj once in Himachal Pradesh, India. वहाँ पे एक कैफे था. ऑन द पीक, नॉट ऑन द पीक, मतलब एक पॉइंट था वाटरफॉल के नीचे. तो वहाँ पे शाम को जाना मना था, बट लाइक हम लोग उसी दिन रात में निकल रहे थे. तो हम लोग गए थे अराउंड 7 बजे. एकदम अंधेरा हो गया था और वहाँ पानी बहता है पूरे में, तो रॉक्स गीली रहती हैं. तो हम लोग गए और तो हम लोग इतना हाथ पकड़ पकड़ के और रॉक को पकड़ पकड़ के चल रहे थे, बिकॉज वी नोटिस्ड कि इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है रॉक.
Sick part of his magnet. और ये तो दीवार पे चढ़ जा रहा है, तो ये सैम आ गया। चलो भाई चलते हैं सैम के पास। चलो चलें। एनर्जी आ गई अच्छा भाई के पास बेहोश होने के बाद, अब थोड़ी कम है लेकिन स्टिल नॉट जंपिंग बट बेटर देन बिफोर। हाँ अरे जंपिंग अगेन गुड। चलो थोड़ी देर शांति में खेलते हैं। ये गेम 2014 में आया था एंड आज भी मैं इसके ग्राफिक्स देख के बाप रे बाप, इतने ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हैं भाई। लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के तो क्या ही होंगे, से एक हफ्ता बचा है उसको खेलने के लिए। चलो भाई ये Thank you.
जाना कहाँ, यही नहीं समझ में आ रहा मुझे। ऊपर जाना है क्या? ऊपर से ही होगा रास्ता। यहाँ जाना था यार। इतनी देर से भटक रहे थे। भाई के हाथों में जान बहुत है। छोटे को से पत्थर को पकड़ के लटक जाता है। To now.
Jesus. Oh. Ah. Refreshing. Hello. Try to climb up there? In those boots? Pretty sure you don't need this. It's working. दबाया था मैंने बटन यार. Movement along the tree line. Big jungle over there, eh? Don't move. I don't see anything. All right, everyone. False alarm. But keep an eye out. Let's go. किसी एक को स्टेल्थ किल करके उसका वेपन तो लेना ही पड़ेगा पहले. Make a grid, gentlemen. What the? Watch yourself! There's a guy down over here! Watch it, eh? God damn it! Yeah.
come out now. सारे लोग हैं भाई, सबको स्टेल्थ से मारना तो मुश्किल है। You asshole. Relax, why don't you? आप ही आ रहा भाई मरने, तो ले भाई मर जा। फक, कहाँ से कंटिन्यू होगा यार? मुझे लग रहा था वहां से शायद जम ना कर पाइए। अच्छा यहीं से हुआ, पास ही हुआ। अरे गुड गुड गुड।
हो गए यार फक बहुत हो गए पर लिए भी खड़े हैं यार लोग हद होती है एक आदमी के लिए इतने लोग शर्म आनी चाहिए सालों को ये क्या है अरे मार चुका क्या गाना है बहन चोद Yo. Noob spotted. Don't.
भाई कहाँ है? आ जा भाई सामने। अरे कहाँ है? खत्म साले, एक आदमी को मारने के लिए इतनी मेहनत। Noob spotted. I'm not a noob. This is a single player game. Are there these are no bots? Noobs. Yes, these are bots. This is a single player game. Then you are the new Bell UL. This is not supposed to be as simple as a multiplayer game. These bots are smart and you die in a couple of shots. And you are one and they are about 10 to 12 in the same team. Fuck off, I'm not a noob. Okay, where to? Shot your head off. Sam, you're okay. Yeah, nothing I can't walk away from. It's good to see you're alive, little brother. Come on, we got a treasure to find. Hold up, man. I mean, what are we doing? What do you mean? I mean, our supplies are at the bottom of the Indian Ocean. Okay, so we go steal some from Nadine's army. Yeah, and there's that. We're going up against an army. We've been holding our own so far. While being marooned in the middle of nowhere. We were trying to get here, remember? When we had an escape plan. Just hear me out. Crazy suggestion. Let's go down there and at least secure one of Rafe's boats. The boats can wait. You want to know what we're doing here? We are buying my life back. Okay, and we're going to do that by stepping into that jungle and finding the battalion. Do you even seen any signs of a massive pirate colony? Because I sure the hell haven't. You're a little late to start developing doubts, don't you think? But can we at least acknowledge the chance that maybe Avery's idea for a secret pirate utopia didn't pan out? And maybe we're just swept up in this fantasy, when instead we should be looking for a real way to save you. I'm gonna scour this island inch by inch if I have to until I find that treasure. Now, if you're confused about what you're doing here, then you can go home, Nathan. Wait, I can go home? Are you kidding me? Do you have any idea what I put on the line to get you here? About what I put on the line, okay? The last 15 years of my life. This has nothing to do with that. It has everything to do with that. Holy crap.
Still want to go home? Let's just see what else we can find.